नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो अब नजरें डालते हैं नागपुर के विभिन्न हलचल पर। गढ़चिरौली जिले में नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के अभियान में जुटी पुलिस के लिए जिले में ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने को लेकर उठे सवाल पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने जिला नियोजन समिति के अधीन गढ़चिरौली के सर्वांगीण विकास को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें पुलिस के लिए मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण का भी समावेश है। नक्सलियों के खात्मे के साथ साथ सरकार जिले में विकास कार्यों को लेकर भी कटिबद्ध है। बिजली, पानी, सड़कें और इंटरनेट सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। स्वास्थ्य सेवा के लिए भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया है। सोमवार को गृह मंत्री पाटिल और जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने गढ़चिरौली का दौरा किया। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिली बड़ी सफलता के लिए सभी को बधाई दी। नागपुर लौटकर उन्होंने एनकाउंटर में जख्मी हुए C-60 के चारों जवानों से मुलाकात की। ADG भूषण कुमार उपाध्याय, CP अमितेश कुमार और IG छेरिंग दोरजे ने उनकी अगुवाई की। नक्सलियों पर लगाम कसने के साथ विकास भी जरूरी, इस बात पर जोर देते हुए मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि गढ़चिरौली पुलिस और C-60 के जवान बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। बहुजन विचार मंच ने अवस्थी नगर के न्यू चोपड़े लॉन में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवन पर आधारित एक वृत्तचित्र का और 19 दिसंबर को होने वाले टेक्नो रैली के फलक का विमोचन किया। इसी अवसर पर आयोजित दीपावली मिलन समारोह में पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री सुनील केदार तथा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में जिला परिषद व पंचायत समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व पालक मंत्री सतीश चतुर्वेदी थे। इस अवसर पर पूर्व विधायक अशोक धवड़, बबनराव तायवाड़े, किशोर गजभिये, मनपा में प्रतिपक्ष नेता तानाजी वनवे, कांग्रेस के राज्य महासचिव अधिवक्ता नंदा पराते, महासचिव जिया पटेल, महासचिव संजय दुबे, महासचिव प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल, पार्षद नितिन कुंभलकर, सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी संदेश सिंगलकर, प्रदेश कांग्रेस सचिव कमलेश समर्थ, सचिव प्रकाश वासु, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, जिला परिषद सदस्य अवंतिका लेकुरवाड़े, किशोर जिचकार और घनश्याम जी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं बहुजन विचार मंच के संयोजक नरेंद्र जिचकार ने किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुजन विचार मंच के संयोजक सुखदेव मनोहरे, वैभव गुल्लर और खुशबू परवार व टीम ने कड़ी मेहनत की। पुत्र महान हो तो एक कुल को कृतार्थ करता है एवं पुत्री महान हो तो दो कुल को कृतार्थ करती है, यह उद्गार विंध्य पीठाधीश्वर बालयोगी अंतर्राष्ट्रीय संत संजय महाराज ने व्यक्त किए। अखिल विश्व सरयूपारिन ब्राह्मण महासभा की ओर से अमृत भवन उत्तर अंबाजरी मार्ग में आयोजित श्री राम कथा का विराम भगवान राम की राज्याभिषेक के साथ हुआ। महाराज श्री ने कहा कि पुत्र एक ही कुल को तारता है जबकि पुत्री दो कुल को पवित्र करती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो। महाराज श्री ने कहा कि स्त्री की रक्षा तीन प्रकार से होती है, बाल्यावस्था में पिता रक्षा करता है, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण को प्राप्त करती है। उसी प्रकार बाल्यावस्था में देवी के समान, विवाह के उपरांत लक्ष्मी के समान तथा विधवा होने पर वह परम पावनी माँ गंगा के समान होती है। मनु महाराज ने कहा कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। कथा के मुख्य यजमान महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनारायण मिश्र व सावित्री मिश्र, राजेश प्रसाद पांडे व शशिकला पांडे, रविंद्र कुमार पांडे व अरुणा पांडे थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने यशवंत स्टेडियम से विशाल मोर्चा निकालकर प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा कर दिया। दोपहर 12 बजे मोर्चे की शुरुआत यशवंत स्टेडियम से निकलकर 1 बजे आकाशवाणी चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। मोर्चा का नेतृत्व पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने किया। संयोजक विजय आसोले, मुन्ना यादव, शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके, गिरीश व्यास, कृष्णा खोपड़े, मोहन मते, विकास कुंभारे, महापौर दयाशंकर तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भेंडे, पूर्व विधायक अनिल सोले, डॉक्टर मिलिंद माने, धर्मपाल मेश्राम, अर्चना डेहनकर, अश्विनी जिचकार, अविनाश ठाकरे मंचासीन थे। प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कोविड काल के दरमियान केंद्र सरकार द्वारा 19 महीनों तक प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में अनाज दिया गया, जिसका फायदा महाविकास आघाड़ी सरकार ने लेकर करीब 2,67,000 राशन धारकों के साथ षड्यंत्र रचकर उन्हें राशन से वंचित रखा। फडणवीस सरकार के समय सभी को अनाज बराबर मिलता था। ऑनलाइन प्रक्रिया होने से नए राशन कार्ड बराबर बनते थे, परंतु महाविकास आघाड़ी सरकार ने यह ऑनलाइन प्रक्रिया बंद कर दी है। राशन कार्ड को आधार कार्ड लिंक से जोड़ना बंद किया क्योंकि वर्तमान सरकार को राशन का भ्रष्टाचार करना था।
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार, नागपुर शहर कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष विकास ठाकरे के मार्गदर्शन में तथा मध्य नागपुर के युवा नेता ब्लॉक अध्यक्ष मोतीराम मुहाड़ीकर के नेतृत्व में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मध्य नागपुर जागनाथ बुधवारी कुंभारपुरा यहाँ पर भव्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में निःशुल्क आंखों की जांच, श्रमिक लेबर कार्ड, नए मतदान कार्ड, आरोग्य जांच, डिजिटल एक्सरे, शुगर की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच और महत्वपूर्ण कांग्रेस सदस्यता नोंदनी मुहिम, इन सभी का मध्य नागपुर के गरीब आम जनता ने हजारों की तादाद में इस शिविर में आकर लाभ उठाया और भारी तादाद में कांग्रेस सदस्यता ली। मुहाड़ीकर ने बताया कि बढ़ती महंगाई के चलते गरीब आम जनता का जीना मुश्किल हुआ है। गरीब लोगों की सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। इस शिविर का उद्घाटन डॉक्टर राजू देवघरे ने किया और इस शिविर के लिए शुभकामनाएं दी। इस शिविर में प्रमुख रूप से नगर सेवक रमेश पुणेकर, हैदर अली दोसानी, अन्नाजी राउत, रमन पैगवार, महेश श्रीवास, शमीम भादा, गीता जलगांवकर, गोपाल गौर, मंजूर अख्तर अंसारी, मोहम्मद वसीम, रमेश निमजे, नितिन नानगांवकर, राजू ताबूतवाले, मुकेश निमजे, नीलकंठ पौनीकर आदि शामिल हुए। गत वर्ष की तरह इस वर्ष की वार्षिक आम सभा में चेंबर के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय प्रकाश अग्रवाल मेहाड़ी की स्मृति में संगठनात्मक एसोसिएशन पुरस्कार, सीताबर्डी मर्चेंट्स एसोसिएशन उत्कृष्ट पदाधिकारी पुरस्कार अर्जुनदास आहूजा, उत्कृष्ट कार्यकारिणी सदस्य पुरस्कार महेश कुकरेजा एवं उत्कृष्ट विशेष आमंत्रित सदस्य पुरस्कार सीए संदीप जोटवानी को वर्ष 2020-21 में उनके द्वारा कार्यकारिणी में उत्कृष्ट योगदान हेतु पुरस्कार देकर सम्मानित किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अश्विन अग्रवाल मेहाड़िया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सजगता और कार्यदक्षता के कारण चेंबर को आज एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण संस्था होने का गौरव प्राप्त है। चेंबर व्यापारियों की आवाज़ को सशक्त माध्यम से शासन एवं प्रशासन तक पहुंचाता है। विदर्भ के व्यापारिक मुद्दों को हल करने की चुनौती का सामना चेंबर के पदाधिकारियों ने आरंभिक काल से ही जोर शोर से किया है। संगठन के समक्ष नई चुनौतियां आती रही है जिसका हल निकालने का प्रयास चेंबर के पदाधिकारी मंडल एवं सदस्य पूरी ताकत से करते आ रहे हैं। कोरोना महामारी का प्रादुर्भाव विदर्भ क्षेत्र के साथ नागपुर में ऐसा तांडव मचा कि समस्त व्यापारियों के साथ आम जनता को भी इसके चंगुल से निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन शहर के व्यापारियों ने अपनी सूझबूझ से इन विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। सेंट्रल इंडिया मध्यवर्ती बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित नागपुर द्वारा संचालित पूर्ति सुपर बाजार की 22वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा हाल ही में लक्ष्मीनगर के साइंटिफिक सभागार में संपन्न हुई। इस सभा में प्रथम संस्था के संचालक कृष्णा बोराडे, दिलीप सप्तर्षि, सोनारीकर, बीडी पाध्ये इत्यादि अज्ञात व्यक्तियों को व सभासदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय संस्था के अध्यक्ष रविंद्र बोरटकर ने 22 वर्ष में विभिन्न स्तर पर संस्था की प्रगति का लेखा जोखा पेश किया। संस्था के भविष्य में विस्तार की विविध संकल्पना एवं योजनाओं को विस्तार से बताया। इसी के साथ संस्था अध्यक्ष ने सभा भागदारों के लिए 60-10% प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। इस कार्यक्रम में संस्था के कोषाध्यक्ष दीपक सप्तर्षि, सचिव राजीव हड़प, उपाध्यक्ष देवदत्त मराठे, सहसचिव संदीप जाधव, संचालक राम मुंजे, राजेंद्र लोखंडे, योगेश बन, संजय गिरगावकर, विवेक तरासे, भूषण शिंगने, धनंजय बापट, केतकी कासखेड़ीकर तथा संस्था के सीए अभिजीत केलकर व आदि मान्यवर उपस्थित थे। सभा का संचालन संस्था के सचिव प्रोफेसर राजीव हड़प ने किया। संचालिका गौरी चंद्रायन ने आभार प्रदर्शन किया। अहवाल वाचन संचालिका नीलिमा गड़ीकर द्वारा पेश किया गया। प्रतिवर्षानुसार नागपुर रेसिडेंशियल होटल्स एसोसिएशन NRHA द्वारा मधुबन विलेज फार्म एंड रिसोर्ट में दीपावली मिलन कार्यक्रम सहपरिवार आयोजित किया गया, जिसमें सदस्यों ने सहपरिवार उपस्थित होकर कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। सर्वप्रथम माता लक्ष्मी जी की फोटो पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। NRHA के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह रेणु, निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश त्रिवेदी, सचिव दीपक खुराना, कोषाध्यक्ष विनोद जोशी व सहसचिव नितिन त्रिवेदी ने उपस्थितों का स्वागत करते हुए सभी सदस्यों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। NRHA द्वारा भारी संख्या में उपस्थित सदस्यों के मनोरंजन हेतु विभिन्न खेलों जैसे हौसी, स्पून एंड मार्बल, लकी व्हीकल नंबर, कैरम, 8-वॉल पूल, टेबल टेनिस, फुटबॉल आदि की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही NRHA सदस्यों ने एडवेंचर स्विमिंग DJ का भी उत्साहपूर्वक आनंद उठाया। दीपावली मिलन कार्यक्रम में NRHA के सदस्यों में अजय जायसवाल, ऋषि तूली, वासुदेव त्रिवेदी, विजय चौरसिया, विशाल जायसवाल, मुर्तजा फिदवी, शारिक हाफिज, नितिन मेहता, विवेक त्रिवेदी, चंद्रकांत चौरसिया, विजय सावरकर, स्वप्निल वारंभे, नीरज मल्होत्रा,
मनोज अवचट, राजेश धीरन, ऋषिकेश बाबासुंदर, हर्षित अग्रवाल, वैभव गारसे, मिलिंद त्रिवेदी एवं सहपरिवार उपस्थित थे। आज़ादी के बाद देश की प्रगति के लिए औद्योगीकरण करना नेहरू जी का सपना था। इसके विपरीत मोदी सरकार सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके जनता का शोषण करने का काम कर रही है। इसी निजीकरण के विरोध और जनता में जागरूकता लाने के लिए कांग्रेस विचार जनजागृति अभियान के सदस्यों ने पंडित नेहरू की जयंती पर गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में जाकर मोदी सरकार को सद्बुद्धि देने की ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर पूर्व पार्षद तनवीर अहमद, एडवोकेट अशोक यावले, एडवोकेट शिरीष तिवारी, आनंद ठाकुर, रामकुमार मुटघरे, सुनील अग्रवाल, मनोज काले, बशीर खान, संग्राम सिंह परिहार, श्याम बागुल, सियाराम चावके, शरद बाहेकर, बाबा कुराड़े, रामप्रसाद गहरे, राजू जीवने, भीमराव हाड़के, प्रकाश शेगावकर, अब्दुल रशीद, अभिषेक शिंतलवार, गिरजाशंकर अग्रवाल, श्याम आष्टीकर आदि उपस्थित थे। विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की प्रतिनिधि संस्था नाग विदर्भ चेम्बर ऑफ कॉमर्स वर्ष 2021-2022 के कार्यकाल के लिए हुए चुनाव में लगातार तीसरी बार अश्विन मेहाड़िया अध्यक्ष एवं राम अवतार तोतला सचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने पर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना नागपुर अध्यक्ष राकेश गांधी ने पुष्पगुच्छ भेंट देकर उन्हें बधाई देते हुए चेम्बर में उनके उत्कृष्ट कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। भारत सरकार द्वारा देश के सभी जगह प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, उसी प्रकार नागपुर के तरोड़ी क्षेत्र में करीब 5000 फ्लैट्स बनाए गए हैं। लेकिन इस आवास योजना समस्या से भरी पड़ी है। यहाँ ना आने जाने को बस थी, न ही कचरा गाड़ी की व्यवस्था थी, न ही शुद्ध पीने का पानी था। इस योजना में बड़े पैमाने पर कामगार वर्ग रहने आए हैं। इन सभी कामगारों ने भाजपा कामगार आघाड़ी शहर अध्यक्ष भास्कर पराते से मुलाकात की और उन्हें आवास योजना के समस्या के बारे में बताया गया। उन्होंने तुरंत ही बस व्यवस्था शुरू कर दी गई और कचरा गाड़ी भी शुरू कर दी गई, लेकिन बाद में कचरा गाड़ी आयुक्त द्वारा बंद कर दी गई। साथ ही मनपा द्वारा शुद्ध पानी के लिए भी सहयोग किया। इस सभी विषय पर आभार जताने के लिए पराते के जन्मदिवस पर उनके घर जाकर आवास योजना के नागरिकों ने उन्हें शाल, श्रीफल और मानचिन्ह देकर सम्मान और सत्कार किया और आभार जताया। उसी पर भास्कर पराते ने कहा कि इस आवास योजना में बहुत सी समस्या अभी भी है, जैसे पथ दिए हो, कचरा गाड़ी की व्यवस्था हो, ऐसे अन्य भी कई प्रकार की समस्या है। शुभंकरोति एवं स्वर्गीय बाबा साहेब आपटे स्मारक समिति द्वारा आयोजित भव्य किला प्रतियोगिता में नागपुर भूषण छावा प्रतिष्ठान का किला सिंधुदुर्ग प्रथम तथा मंदार एवं अर्णव उत्तरवार का किला विजयदुर्ग द्वितीय स्थान पर रहा। शुभंकरोति पिछले 19 सालों से किला प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। हिंदू स्वराज्य की स्थापना में शिवाजी महाराज के कौशल से बनाए गए किलों से प्रेरणा लेकर बच्चों ने इस प्रतियोगिता में पूर्ण उत्साह से हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता के अन्य विजेताओं में नागपुर भूषण वैभव गणोरकर के पद्म दुर्ग को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता के दौरान कुल 30 प्रतिकृतियों को नगद पुरस्कार और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय किलों में अजिंक्य जोशी और पुष्कर दहासहस्त्र का प्रचंडगढ़ पहले, स्वराज फोर्ट ग्रुप का रायगढ़ दूसरे और रोहित लाड़सावंगीकर का शिवकालीन किला तीसरे स्थान पर रहा। विशेष आकर्षक किला समूह में भवानी समूह का पनालगढ़ प्रथम, सचिन चावरे का किला शिवनेरी द्वितीय, पवनकर समूह का फोर्ट सिंधुदुर्ग तृतीय तथा प्रवीण दिग्रसकर के फोर्ट शिवनेरी को प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा स्वर्णिम तारवरकर, आदिल शेख के किलों को द्वितीय, डुमरे बंधु प्रियांश जोशी और हर्ष भुतड़ा के काल्पनिक किले को प्रोत्साहन पुरस्कार मिले हैं। श्री मधुसूदन बापूजी की प्रेरणा से श्री राधाकृष्ण भक्त परिवार की ओर से दामोदर प्रभुजी द्वारा भक्तों को ऑनलाइन भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है। भगवत कथा का दूसरा दिन था। कथा में दामोदर प्रभु जी ने कहा कि जब राजा परीक्षित को श्राप मिला तो वे सबसे पहले संतों के पास गए, क्योंकि संत ही जीवों का भला कर सकते हैं। संतों का संबंध भगवान से होता है, वे हमें सदैव सही राह दिखाकर अपने संग से कृतार्थ करते हैं। ऐसे ही राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि का संग मिला, जिन्होंने उनको भागवत का रसपान करवाया। इसलिए संतों का सानिध्य अवश्य प्राप्त करें। यह भागवत कथा की श्रृंखला 19 नवंबर तक चलेगी। प्रतिदिन शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक भागवत कथा का सीधा प्रसारण YouTube चैनल, Facebook पेज दामोदर दास पर किया जा रहा है। परिवार ने भक्तों से विनंती की है कि इस कार्तिक मास में अमृतमयी भागवत कथा रसपान करें। शहर की सामाजिक संस्था सिंधु युवा फोर्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम संस्थाध्यक्ष गुड्डू केवल रामानी की अध्यक्षता में सफल रहा। कार्यक्रम का आयोजन संत सतरामदास धर्मशाला जरीपटका में किया गया। संस्था के सभी सदस्यों ने एकजुटता से रक्तदान का संकल्प लिया।
शुरुआत में उपस्थित महिलाओं द्वारा माता की पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही श्री कलगीधर सत्संग मंडल द्वारा निकाली गई सिमरन फेरी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में ज्योति सचदेव, स्वाति वासवानी, प्रिया केवल रामानी, समानता खुशलानी, काजल हेमराजानी, अनिता खुशलानी, भावना मूलचंदानी, पूजा वाधवानी, ऋचा आहूजा, बबीता मूलचंदानी, काजल बीखानी, दिव्या चेलानी, शोभा आनंदानी, कनिका लालवानी, मोनिका चौधरी, मीरा हसनानी, कंचन मोटवानी, ओम प्रकाश बत्रा, महेश केवलरामानी, प्रदीप बालानी, राकेश कुशलानी, एडवोकेट कमल आहूजा, सुंदर मूलचंदानी, मुकेश चौधरी, सुनील बीखानी, पिंकी साधवानी, जगदीश केवलरामानी, प्रकाश आनंदानी, जीतू लालवानी, मयूर कृष्णानी, गुलवासवानी, तुलसी सचदेव, दिलीप मीरानी, नंदलाल जयसिंगानी, प्रकाश लालवानी, पीयूष हासनानी, इंद्रकुमार खिलवानी, नरेश आलवानी, किशोर रुचवानी, टोनी मूलचंदानी, दीपक आडवानी, प्रदीप चावला, नितिन ढोलवानी, नंदलाल वासवानी, विनोद जयकल्याणी, दिनेश केवलरामानी, रोहित चौधरी, सुनील मोटवानी, अमर कटारिया, नितिन गोधानी, राजेश भट्ट आदि उपस्थित थे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस पर कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल ने विश्वविद्यालय के बिरसा मुंडा छात्रावास में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया। प्रोफेसर शुक्ल ने बिरसा मुंडा के संघर्ष को कृतज्ञतापूर्वक याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर चंद्रकांत रागिट, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर अवधेश कुमार, बिरसा मुंडा छात्रावास के अधीक्षक डॉक्टर धर्वेश कठेरिया आदि ने भी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया। छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर लेखराम दनान्ना, डॉक्टर जगदीश नारायण तिवारी, डॉक्टर राम अवध, डॉक्टर शिरीषपाल सिंह, अनिकेत आंबेकर, डॉक्टर गौरी शर्मा, डॉक्टर सीमा बरगट, डॉक्टर योगेंद्र बाबू, डॉक्टर शिव सिंह बघेल, डॉक्टर ऋषभ मिश्रा, डॉक्टर हरिश्चंद्र पांडेय, डॉक्टर हेमचंद्र ससाने, डॉक्टर धीरज मसराम, बी एस मिर्गे, तुषार वानखेड़े सहित छात्रावास के शोधार्थी एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। भारत सरकार द्वारा संघर्ष, स्वाभिमान और शहादत की महनीय परंपरा के प्रतीक बिरसा मुंडा की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा की स्मृति में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में 15 नवंबर 2021 से 22 नवंबर 2021 तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। पालीवाल सेवा मंडल सीताबर्डी जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर अन्नकूट का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी लोगों ने अन्नकूट में सहभागी होकर भगवान के दर्शन कर और प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था, डेकोरेशन से लेकर खानपान की व्यवस्था गोपी सीताराम धामट, दया कोरवाले, नागपुर निवासी ने की और उत्सव समिति के देखरेख में यह कार्य संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने पर सेवा मंडल के अध्यक्ष वसंत कुमार पालीवाल ने सभी समाज बंधुओं का साथ इस तरह से मिलता रहे ऐसी आशा सेवा मंडल के अध्यक्ष ने की। उपाध्यक्ष ताराचंद पालीवाल, सचिव कृष्ण पालीवाल, कोषाध्यक्ष संतोष पालीवाल, उपमंत्री पंडित खुशाली राम, उत्सव समिति संयोजक राजेंद्र पालीवाल ने धन्यवाद दिया। कार्तिक एकादशी के पावन पर्व पर श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर गरुबा मैदान में काकड़ आरती एवं वारकरी मंडल की ओर से भव्य दिंडी का आयोजन किया गया था। दिंडी हनुमान मंदिर परिसर से निकलते हुए गरुबा मैदान, आदर्श नगर, कापसे चौक, दादाजी धुनीवाले चौक, जूना बगड़गंज डॉक्टर दलवी दवाखाना परिसर, गढ़देव खाम परिसर होते हुए सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में संपन्न हुई। दिंडी का जगह जगह परिसर के नागरिकों ने पुष्पमाला से स्वागत किया। परिसर में जगह जगह सुंदर रंगोली से परिसर को रंगीन बनाया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक ज्ञानेश्वर नाना झोड़े, अध्यक्ष सिद्धेश्वर शिक्षण संस्थान गोपाल नेउलकर, बबनराव नागुलकर, रामदास निंदेकर, कुणाल ठौरे, धीरज डहाके, रूपचंद झाड़े, बंसराज बांगड़कर, विजय बुजाड़े, रामकृष्णन नटिये, सावरकर, तुषार ठौरे, हरि निंदेकर, गणेश नेउलकर, प्रमोद बुड़े, रमेशराव चौधरी, संजय बुजाड़े, कड़म्बे गुरुजी, सुरेश ढकाते, डोईफड़े परिवार, क्षीरसागर परिवार, बरबटे परिवार, विजय सिंह चव्हाण, विमला, सुनंदा चौधरी, अनिता नेउलकर, चेतना नेउलकर चव्हाण, संध्या, गोपालराव बावने, मेहर, हेमंत किरानावाला, श्री सिद्धेश्वर हनुमान भजन मंडल, महिला भजन मंडल आदि भक्तों ने परिश्रम किया। सच्चो सतरामदास सेवा मिशन जरीपटका की ओर से नगर के विभिन्न इलाकों में जाकर रास्तों पर जीवन यापन करने वालों जरूरतमंदों में वस्त्रों का वितरण किया गया। साथ ही स्वास्थ्य जांच कर 150 लोगों को वैक्सीन और निःशुल्क दवाइयां बांटी गई।
संयोजक डॉक्टर राम थारवानी ने बताया कि सेवा कर्म दान धर्म पर अमल करते हुए मिशन की ओर से वर्षों से शिविर का निःशुल्क आयोजन करने के साथ ही जरूरतमंद लोगों में ठंडी के दिनों वस्त्र वितरित किए जाते हैं। इस वर्ष अब तक गांधीबाग वस्त्र विक्रेताओं दानदाताओं के सहयोग से 1400 लोगों को वस्त्र बांटे जा चुके हैं। इस कार्यक्रम में भाई सेवक राम, विजय कुकरेजा, खेमचंद कुकरेजा, लधाराम कुकरेजा का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। प्रदीप बाला ने, अलका भालेराव, रंजिता भीमटे, पूनम सावरे, कोमल, ईशा, पूनम, अंकित ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चिकित्सकों ने जांच उपरांत मरीजों को सलाह दी। शिविर का 150 मरीजों ने लाभ लिया। शिविर में सनफ्लू, MMR, रूबीला, HBHIB, थायराइड सहित अन्य बीमारियों की मरीजों को निःशुल्क वैक्सीन, ड्रॉप एवं दवाइयाँ दी गई। पारडी नागपुर परिसर में यादव कालीन श्री भवानी माता मंदिर में मां भवानी माता के नाम से प्रसिद्ध तथा लाखों भक्तों की श्रद्धा एवं विश्वास की प्रतीक मां रेणुका माता स्वरूपी एवं तांदला देवी के रूप में पहचान रखने वाली स्वयंभू साक्षात स्वरूप में जागृत देवी है। विदर्भ के साथ संपूर्ण महाराष्ट्र में प्रतिदिन यहाँ हजारों भक्तगण माता के दर्शन का लाभ लेते हैं। यादवकालीन इस मंदिर में कई सालों से माता जी की सौम्य स्वरूप प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाया जाता रहा, परंतु इसे चमत्कार कहे या करिश्मा कि 16 नवंबर 2011 को माताजी ने अपना सिंदूरी चोला छोड़ भक्तों को कन्या स्वरूप में स्वयंभू दर्शन दिया। अतः इस दिन को श्री भवानी माता सेवा समिति द्वारा माताजी के प्रकट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में आज मंगलवार श्री भवानी माता मंदिर में माताजी का प्रकट महोत्सव मनाया जाएगा। अभिषेक के पश्चात माताजी का श्रृंगार किया गया है एवं दोपहर को महाआरती के पश्चात नवकन्या भोजन एवं 56 भोग अन्नकूट प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया है। बाबा साहेब पुरंदरे के निधन ने साहित्य और कला के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान पैदा हो गया है जो कभी नहीं भरेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके इतिहास को घर घर तक पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाबा साहेब ने कई युवाओं को छत्रपति शिवाजी महाराज की असली गाथा से अवगत करवाकर छत्रपति शिवाजी के किलों के संरक्षण के लिए प्रेरित करने का महत्वपूर्ण काम भी किया। शिवचरित्रकार से लेकर समाजसेवी तक इस बहुआयामी व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा के धनी बाबा साहेब पुरंदरे के निधन से इतिहास का एक चमकता सितारा बुझ गया है। नागपुर महानगर पालिका को शिव छत्रपति के महानाट्य जानता राजा का आयोजन कर बाबा साहेब को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जो हमारे लिए फख्र की बात है। इस आशय के विचार महापौर दयाशंकर तिवारी ने पुरंदरे के निधन पर व्यक्त किए। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।